बीती रात पवई विधायक के प्रहलाद लोधी की अचानक से तबीयत बिगड़ी है और पवई स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें ऑक्सीजन न मिलने सहित जिले की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जिले भर के कांग्रेसी नेता इसको लेकर भाजपा को घेर रहे हैं और इसे विकास यात्रा के पहले ही दिन विकास की पोल खुलना बता रहे हैं, जिसको लेकर पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए इन्हें सभी आरोपों को निराधार बताया है। विधायक लोधी ने कहा कि विकास यात्रा को बदनाम करने के लिए विपक्षी ये सब साजिश रच रहे हैं और मुझे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है और पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मैं जनता के पीछे में चला गया और ये विकास यात्रा का बदनाम करने के लिए विपक्षी लोग ये सब कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह मुझे पूरे जिले का सहयोग मिला, पूरी तरह ट्रीटमेंट मिला। मैं तो पवई से पन्नू नहीं आ रहा था।